वो हम लोग को छितर बितर करने का वो प्रयास कर रहा है, उसके बाद में वो फिर से लाठी चार्ज करे और हम लोग को हटाए। इसलिए उनके चाल में और भ्रम में नहीं करना है और हम सब साथ रहे हैं। सारे लोग यहाँ बने रहे, घेर कर रहे कि जब तक कलेक्टर नहीं आएंगे बात नहीं होगी। काहे को उधर भीड़ लगा रहे हैं, अपने तरफ में रहिए और टूटिए और बिखरिए नहीं। वो हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं, वो हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं, हमारे आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, हमारे मांग को तोड़ना चाहते हैं और हमारे परिवार के साथ में, मृत परिवार के साथ में फिर अन्याय करना चाहते हैं, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सब नहीं करेंगे, हमें पूरा यकीन है। इसलिए आप उनके चाल में न पड़िए, यहाँ बने रहिए, अपनी एकता बना करके रोड जाम किए रहिए और मांग हो के कलेक्टर यहाँ आए, सक्षम अधिकारी यहाँ आए और हमारी मांगों पर वो काम करें, उसको पूरा करें। साफ बात है हमारी। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक, इस वक्त मैं हूँ राजधानी पटना के कंकड़बाग के मलाही पकड़ी चौराहे पर। और यहाँ पर जो है बरसों से झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों को कल जो है उनका झुग्गी झोपड़ी प्रशासन के द्वारा उजाड़ा गया और जो है बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी चार्ज की गई। एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है जिनकी उम्र तकरीबन 45 वर्ष बताई जा रही है। तो इन लोगों को जो है प्रशासन के द्वारा जबरन तरीके से खाली कराया जा रहा था और इन लोगों का मांग था कि जब तक कोई वैकल्पिक जगह प्रशासन और सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है तब तक हम लोग जगह खाली नहीं करेंगे। इसी मांग को लेकर के यह लोग विरोध कर रहे थे। प्रशासन के रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा जो है बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया और कई लोगों की हालत गंभीर है और एक व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा गया, भी लाठी चार्ज प्रशासन के द्वारा किया गया है। ये लोग बरसों से यहाँ पे रह रहे थे। इन लोगों का मांग है कि बगैर कोई वैकल्पिक जगह दिए हुए हम लोग जो है इन जगह को खाली नहीं करेंगे। एक बात साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जो है जीवन जीने का अधिकार देता है और उसी के तहत जो है आवास का भी अधिकार आता है और आवास मुहैया कराना सरकार की संवैधानिक दायित्व है। सरकार इस दायित्व से पीछे हट रही है और जो लोग पहले से झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहे हैं उनको जो है मतलब आवास से बेदखल कर रहे हैं। अगर वह लोग जो है कोई सवाल कर रहे हैं, वैकल्पिक जगह मांग रहे हैं तो उन पर उन लाठी चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि उन लोगों का इस पूरे मसले पे क्या कहना है। तो आप यहाँ के स्थानीय हैं? कल 4 बजे ठीक था, समझे नहीं? शाम में? हाँ, शाम में 4 बजे। और जिसको बात की कहा है, पूरा पूरी प्रशासन आया वहाँ पर। कुल तुतुक मैं कर रहा था, इधर चाय के दुकान खोलने थे, राजेश ठाकुर नाम है इनका, और जो बेचारा की कहा चाय ताय बेच रहे थे। और जिसको बाद उधर से एक भैया आया और जिसको बाद सबके गाय गोरू के तरह मारने लगा, एकदम मारने लगा गाय गोरू के तरह। और की कहा जा रहे थे चाय पहुंचाने के लिए और जिसको बाद पाछे से एक लाठी एकदम घींच दिया। हाँ, जिस आदमी को मृत्यु हुआ है एक लाठी मार दिया, इतना फट गया, खून गिरने लगा, झमा के बैठ गया वहीं पर। लेकिन प्रशासन के सामने किसका चलता है सर? किसी तो चलता है नहीं। प्रशासन के सामने लगता था कि जिसे गांव में जिसे खेसारी मसरी का दमाही नहीं कर रहा था उसी तरह दमाही कर रहा था, समझे कि नहीं? कोई तो बोल नहीं रहा था और जो किकाय मिलता था उसी को पकड़ के कूट देता था और किसी को बात नहीं सुनता था। जिसको बाद रात में गया, चोट लगा था एगो किकाय, दवाई उवाई ला के खाए थोड़ा बहुत। जिसको बात रहा, अभी कितने लोग ऐसे हैं जिनके हालत गंभीर बनी हुई है? कम से कम लगता है कि चोट 8-9-10 आदमी तो जरूर लगा होगा। और किसी की हालत जिनकी मैंने काफी नाजुक स्थिति है? हाँ, ये है, उधर है। प्रशासन के कोई लोग आए हैं आप लोग से बातचीत करने के लिए? प्रशासन के आदमी कुल ठहरा है कहाँ? तो कंकड़बाग का मलाही पकड़ी इलाका है, यहाँ पर जो है बरसों से झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों पर जो है प्रशासन पूर्ण लाठी चार्ज किया गया और परिणाम ये हुआ कि एक व्यक्ति की जो जिनकी उम्र तकरीबन 45 वर्ष बताया जा रहा है, राजेश ठाकुर नाम का यह व्यक्ति है, इनकी मृत्यु हो गई है और कई लोगों का जो है हालत इस वक्त गंभीर बना हुआ है। 11 बजे हम डिप्टी से आए सर, झोपड़ी सब गोटा हटा रहे थे, हटेला के बाद मतलब हम लोग साइड में रख रहे हैं सामान, पुलिस अभी चिटकबरा पुलिस आया सर, हम लोग पर लाठी चलाने लगा। हम लोग भाग, मेरा मम्मी बेहोश था सर, फिर भी उसको मारा, दांत लग रहा है तभी मारा, बचाने के सर। मारने वाले कौन थे, महिला पुलिस? नहीं, जेंट्स पुलिस मारा सर, सब आदमी भाग जाता है सर, तो रोक देना चाहिए कि नहीं मारा, गली में घुसा घुसा के मारा सर, मेरा पूरा कपड़ा दे के फाड़ दिया सर, पूरा मारना थाना के
लाठी चार्ज करवाया सर। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ की क्या स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर जो है जो लोग हैं वो डेड बॉडी को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और इन लोगों का मांग है कि जो परिवार के लोग हैं मृतक के परिवार के लोग उनके किन्हीं एक सदस्य को जो है सरकारी नौकरी दिया जाए और उन लोगों को जो झोपड़ी उजाड़ा गया उसका मुआवजा दिया जाए। और यहां से अगर हटाने की बात की जा रही है तो वैकल्पिक जमीन की जो है व्यवस्था की जाए। देखिए बहुत विभत्स रूप और स्वरूप हम लोग सबको देखने को मिल रहा है। बहुत बेदर्दी पूर्वक कल लाठीचार्ज हुआ हमारे एक साथी की जो यहाँ झुग्गी में रहने वाले थे उनका दुखद मृत्यु हो गया है और 3 घंटे से हम लोग सड़कों पर है। कोई अभी पुलिस प्रशासन और सरकार का कोई आदमी अभी तक बातचीत को नहीं पहुंचा है। पूरे तौर पर संविधान का मानवीय मूल्यों तक का सामाजिक न्याय का तमाम चीज़ों का सीधे तौर पर उल्लंघन हो रहा है, उसको कुचला जा रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो ऐसे हालात के खिलाफ में हम सड़कों पर हैं और हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक राजेश मल्लिक राजेश ठाकुर के परिवार को वो न्याय न मिल जाए और उसके साथ साथ यहाँ के जो लोग जो झुग्गियाँ में रहते थे उनको पुनर्वास की व्यवस्था न हो जाए। यहाँ मेट्रो के नाम पर झुग्गियाँ उजारी जा रही हैं, जो 50-60 वर्षों से जो लोग रहते थे उनको उजारा जा रहा है और उनको रहने की कोई व्यवस्था वो नहीं की जा रही है। कल अचानक वो बहुत हजारों की संख्या में पुलिस फौज आई और आकर के लाठीचार्ज किया और जबरन बुलडोजर चला करके झुग्गियाँ को तोड़ दिया। उसी में दर्जनों डेढ़ दर्जन लोग घायल हुए हैं, उसी में राजेश ठाकुर का देहांत हुआ है। साफ मांग है कि एक तो पुनर्वास किया जाए, दूसरा मांग है कि राजेश ठाकुर के परिवार को मुआवजा दिया जाए चूँकि उसके 3-4 बच्चियाँ हैं तो एक परिवार को नौकरी दिया जाए, और चौथी मांग है कि जो जिसके आदेश से लाठीचार्ज हुआ है वैसे पदाधिकारी पर जरूर कार्रवाई किया जाए। वैसे अमानवीय पदाधिकारी को अधिकारी रहने का कोई मायने नहीं बनता है चूँकि उसका मनोबल और बढ़ेगा और वो गरीब गुरुओं और आम नागरिकों पर वो हमला करेगा, इसलिए वैसे लोगों पर कार्रवाई वो किया जाए। तो ये बहुत दुखद घटना यहाँ पर घटी है, इस पर जो है सरकार और प्रशासन को विचार करना चाहिए। हमारे साथ CPI के पटना के जिला मंत्री रामलला जी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। देखिए हम लोग जब से चर्चा यहाँ हुई कि मेट्रो बनेगा, हम लोगों ने कहा कि हमको मेट्रो बनाने से कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप विकास करते हैं कीजिए। लेकिन जो लोग 100 साल से बसा हुआ है, जब ये गाँव था कंकड़बाग, तो आप कह सकते हैं कि जैसे आदिवासी जंगलों में रहता है उसी तरह से ये गरीब गुड़वा लोग 3-4-5 पीढ़ी से लोग रह रहे थे। ये खेत था और ये नहर था, जो ये नाला आप देख रहे हैं नहर था, और इसी नहर के दोनों किनारे 2-4 घर 5 घर झोपड़ी था, जो बढ़ते बढ़ते या सैकड़ों की संख्या होगी उनका परिवार बढ़ा। बाहर से लोग आके ज़मीन खरीदते गए, यहाँ का जिनका ज़मींदार थे वो ज़मीन बेचते गए, बाहर के लोग ज़मीन खरीद करके बसते चले गए। बाद में ये सब चौक उक बना है, ये बाद में ये सब चौक उक बना है। अभी जो आप देख रहे हैं कि जो खुला हुआ नाला है उसको ढाल करके रोड उड बनाने का भी पटना में ये सब कार्यक्रम चल रहा है। तो ये मलिन बस्ती में जो लोग रह रहे थे, पहले भी हम लोग कई साल से, आज से नहीं, हम लोग जो है हाईकोर्ट में भी गए, वहाँ भी हम लोगों ने अर्जी लगाया था काफ़ी पहले कि हाईकोर्ट इंटरवेन करे इसमें दिलावे। हाईकोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि इनका वैकल्पिक व्यवस्था करिए उसके बाद उजारिए, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हमको लगता है कि जो बिहार सरकार अभी प्रेजेंट में है वो किसी भी देश में जो भी राज्य सरकार है उससे आप कह सकते हैं ज़्यादा क्रूर शासक है। यहाँ जिसके पास सोच नाम की कोई चीज़ नहीं, नीतीश बाबू इंजीनियर हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स हैं, लेकिन गरीब के प्रति जो है उनका भावना ये कहिए कि बिल्कुल विपरीत है। आप पटना शहर में हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों में लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, बड़े बड़े बिल्डिंग आप जा कर के देखिए तो लगता है कि कॉरपोरेट बिल्डिंग है, ये सरकार का बिल्डिंग नहीं है, सरकार का बिल्डिंग नहीं लगता है, और इतने जो है फ्लाईओवर बन गए। अरे हम लोग उसमें मांग कर रहे थे आपको कि जहाँ जहाँ झोपड़ी वाले बसे हुए हैं उनको आप उनका लिस्ट तैयार करिए, और लिस्ट तैयार करके उन लोगों के लिए इन लोगों ने एक योजना बनाया था जिसकी चर्चा सरकार ने की थी कि शहरी आवास योजना, गरीब आवास योजना करके इन लोगों ने बनाया और कहा था कि इसमें हम लोग फ्लैट बना करके बहुमंजिला इमारत बना करके गरीबों को देंगे, चूँकि जगह की कमी है। इन लोगों ने कहा कि आप जगह बताइए, तो हम लोग कई जगह पर भी इन लोगों को बताए, यहाँ तक कि इधर पिछले दिनों चाहे वो DM हो, कमिश्नर हो,
आपका SDO हो, CO हो, BDO हो, नगर निगम हो, लगातार हम लोग इन लोगों को भी कहते रहे कि आप अगर यहाँ पर नहीं दे सकते हैं तो बाईपास के उधर दे दीजिए, सर इस्ताबाद ब्लॉक में ही इनको बसा दीजिए, आप फुलवारी ब्लॉक में ही इनको बसा दीजिए, आप पटना सिटी में बसा दीजिए, हाँ फतुहा में ही आप बसा दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो इनको आप बसा दीजिए। तो ये बेईमान सरकार ने जब हम लोग काफ़ी आंदोलन लड़े थे तो बेघरों के लिए या जिनको कि कोई भूमिहीन है परिवार के लिए 3 डिसमिल, हम लोगों ने 15 डिसमिल डिमांड किया था और उसके बाद इन लोगों ने 3 डिसमिल पर निर्णय किया, लेकिन उस 3 डिसमिल को भी नहीं दिए, जबकि इतना अच्छा उसमें प्रावधान कराया गया था कि अगर कहीं सरकारी ज़मीन नहीं है तो प्राइवेट ज़मीन भी सरकार खरीद करके और तब भूमिहीनों को बसाएगी, ये योजना था, शहर में बसाने की योजना थी। लेकिन इतने बेईमान हैं कि ये पैसा उस पर वो इन्वेस्ट करते हैं। आप जानते हैं कि नगर निगम का कितना 1000 करोड़ रुपया साल में ये नाला का सफाई और ये सब पर खर्चा हो रहा है, और कुछ 1000 करोड़ रुपया अगर इन गरीबों के लिए पटना शहर में कितना 1000 झोपड़ी उखाड़ दिया। अब बहुत बड़ी समस्या है कि ये सभी जानते हैं, ये आने वाले समय में इन लोगों को कहेगा कि ये सब भगोड़ा है, बाहर से आया है, क्योंकि यहाँ इनका पहचान पत्र बना हुआ था, इनका वोटर ID था, यहाँ इनका आधार था, यहाँ ये बिजली का बिल देते थे, यहाँ इनका गैस का कनेक्शन था, और यहाँ से जब इनको भगा देगा तो आप जानते हैं कि अब देहात में भी ज़मीन महंगी हो गई है, अब देहात में भी कहीं इनको कोई बसने नहीं दे रहा है। ये गलतफहमी दिमाग से लोग निकाल लें नीतीश बाबू, कि आप जो कहते हैं कि देहात में चले जाओ, तो देहात में भी हम लोग जा रहे हैं गाँव के अंदर, और गाँव के अंदर देख रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत मुट्ठी भर गरीब गुरबा जो बेघर हैं चाहे भूमिहीन हैं, उनको भी अब गांव से लोग निकालना चाहता है, उनको भी नहीं चाहता हाँ। है कि वहां वो चौक चौराहे पर हैं, उसको उसका वहां भी सौंदर्य संकट तो गांव में पहले से बनी हुई है, तभी ये लोग शहर में भाग करके आए थे, और फिर आप शहर से कहते हैं गांव में, इसका मतलब है कि ये लोग हो जाएंगे, आप कल कहिएगा कि इनके पास कोई ID प्रूफ नहीं है, इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये विदेशी लोग हैं कह करके इन लोगों को आप पता नहीं कि पटना जिला में लाखों ऐसे परिवार हैं जो कि भूमिहीन हैं, जिनको इधर से उधर होना पड़ रहा है। 250 से ज़्यादा परिवार था आपका नालंदा मेडिकल कॉलेज के बगल में, है ना, 1000 परिवार था पूरे गर्दनी बाग एरिया में, आपका देख लीजिए स्टेशन से ले के और रेलवे लाइन के किनारे जो ये सब कदम कुमार राजेंद्र नगर है, 1000 परिवार था, सबको उजाड़ दिया। हर बार हम लोग गए, अभी भी मुख्यमंत्री को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, हम लोगों ने DM को दिया, DM ने आश्वासन दिया कि हम लोग चिट्ठी यहाँ से भेजेंगे राज्य को कार्यालय को, जो उनका सचिवालय है वहाँ जाएगा नगर विकास पे के पास, और आप नगर विकास मंत्री से बात करिए। उन्होंने कहा था कि हम बात करेंगे, हम लोगों ने फिर जब उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि अभी हम जो है सो व्यस्त हैं चुनाव के कार्यक्रम में, SDO से बात कीजिए। SDO ने कहा कि हम कह दिए हैं ये मेट्रो वाले को, ये लोग उजाड़ पुजार अभी नहीं करेगा और चुनाव में अभी लोग व्यस्त हैं। अभी हम लोग CO से भी 2-3 दिन पहले बात किए थे, उसने भी कहा कि अभी नहीं उजाड़ा जाएगा, अभी हम लोग बोल दिए हैं, और हम लोग कह रहे थे कि तत्काल रेनबो जो मैदान है वहाँ तत्काल इनको शिफ्ट कर दीजिए। इसलिए देखिए हम लोग नीचे से ऊपर कहीं बाकी नहीं छोड़े हैं, जितना जगह हम लोगों को अपील करना चाहिए आवेदन, आप लोगों ने अपील किया लेकिन प्रशासन के द्वारा ये मांग नहीं किया गया। तो ये थे रामलला जी, CPI नेता, हमसे बातचीत कर रहे थे। तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ की क्या स्थिति बनी हुई है, आगे भी हम आप लोग को बताएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।